हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कल गए थे हम अपने हाथरस महोत्सव मेले में और आज जा रहे हैं अपनी फ्रेंडों के साथ मंगल आ गए पीछे पीछे आया तुम का तो कौन कौन फ्रेंड जा रही हैं आज? तो हम लोग ना कई सारे लोग जा रहे हैं मिलके, तो पहुंच करके ऑटो कर लिया, ऑटो में जा रहे हैं और पहुंच करके मिलते हैं। ठीक है जी, चलो हाय बाय। आप सभी लोग आ गए तो जब मैं निकल पाऊँ, चार लोग पीछे, दो लोग हम लोग आगे। चलो मंगलायतन पहुंचने से पहले ऑटो वाले भैया लेके आए हमें अपने खेत पर, थोड़ी बस सड़क के पास पे ही है ना, तो अमरूद के लिए। मैंने कहा था कहीं अमरूद मिल जाए ना तो वहाँ रोकना, तो बोले मैं अपने ही बाग में ले चलता हूँ। तो हम लोग अभी, ये ऑटो खड़ा है हमारा और हम लोग अभी रुके हैं। सच में आज तो संडे अच्छी तरह से अमरूद के बाग और दिखाओ इनको, अभी दिखाएंगे कहाँ पे गया था भैया वो। कहाँ गए अमरूद? देखो इधर रहे अमरूद के बाग, लेकिन जाए कैसे, ये कांटे लगे हुए हैं। वो भैया कहाँ गए? भक्ति वो कहीं निकल गए। इधर ये सब अमरूद के बाग लगे हुए हैं, चलो फोटो खींचते हैं। अरे ना कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा, गर्मी तो नहीं लग रही, ठंड भी नहीं लग रही ना। इधर ये खेत हो रहे, अब हम दोबारा जाने लगे हैं और सभी लोग अमरूद खा रहे हैं। अमरूद बहुत टेस्टी है, आप भी खाइए। ऑटो वाले भैया ने ऑटो वाले भैया हमें लेके भी आ रहे हैं और अमरूद भी खिलाए अपने बाग से। तो ये मंगलायतन में तो हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं। एक टेंशन हो गई है कि ना हम ना कोई आईडी लेकर नहीं आए, और यहाँ पर कोई भी आईडी जैसे आधार कार्ड हो या कोई भी वोटर कार्ड हो वो चल दिखाते हैं और तब अंदर जाने देते हैं। तो भीड़ तो है अच्छी खासी यहाँ पर, क्योंकि मौसम अच्छा है ना, तो अब देख रहे हैं अपने मोबाइल में किसी के मिल जाएगा तो एंट्री मिलेगी, अन्यथा ढूंढो ढूंढो जल्दी जल्दी किसी की मिल जाए। यहाँ सब अपने अपने दिखा रहे हैं वहाँ पे और अंदर जा रहे हैं, हम लोग अपने मोबाइलों में ढूंढ रहे हैं कि किसी के में मिल जाए हमारे में आईडी, तब हम अंदर जाएं। हो गई एंट्री, तो चलो अंदर आ जाओ। मेरे ने अपना मंगाया फोन करके घर पे, उन्होंने भेजा ड्राइविंग लाइसेंस, उससे एंट्री हो गई। कोई भी आईडी चाहिए होती है तो उसमें एंट्री हो जाती है। फिर चलो अब घूमेंगे, अब यहाँ पे जूते जमा होंगे और फिर टांगे सब लोग आ जाओ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं। कितनी शांति है यहाँ पर, बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स के साथ आने से ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, फैमिली के साथ आने से वो अलग बात होती है और फ्रेंड्स के साथ आने में अलग बात। कहाँ है सब लोग अपने अपने मस्त। हाँ हम लोग भी फ्रेंड्स के साथ आए हैं। हाँ हेलो, आज संडे है ना, शायद क्या पता है। कितनी सारी तुलसी तुलसी है ये, और ये रोज कितने प्यारे लग रहे हैं। तोड़ लो, नहीं ये गलत बात है। जगह जगह पर ना ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, तो इतना सुंदर है, कितना सुंदर लग रहा है। पेड़ वेड़ और देख सफाई, देख रहे हो मंगलायतन। जैन लोगों का मंदिर है ये, जैनी जो होते हैं ना उनका ये तीर्थ धाम है। इतने सुंदर पेड़ हैं और जहाँ पेड़ वेड़ पूरी नेचर का इसमें वो दिया गया है। और हमारी फ्रेंड सब इधर उधर हो गई, मैं अकेली हूँ, कहाँ गई सब। मिल गई, मैं सोच रही थी मैं अकेली रह गई।
ईंटों पे चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। और ये पता नहीं है ये इतनी लंबी गैलरी से पड़ गई है, कितनी दूर है अभी तक। तो ये देखिए सब ये आर्टिफिशियल पहाड़ बनाए गए हैं और सब फ्रेंड थक रही हैं। धीरे धीरे कभी कहीं कोई बैठ जाता है, कभी कोई कोई बैठ जाता है। हाँ ये ना इधर आ गए दूसरी जगह पे, ऐसा ही दरवाजा बना हुआ है इधर भी। इतनी सीढ़ी बजा लो और क्या, इतनी सीढ़ियां चढ़ के सांस फूल गई। सीधा ऊपर जाओगे, इधर नहीं घूमोगी, इधर ये या हाँ थक गए हो तो बताओ, इधर घूमते हैं ना। फाइनली हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ ऊपर आकर के ना ये बहुत विशाल सी मूर्ति रखी है, ये देखिए यहाँ पकड़े हो सर, यहाँ पे अच्छा है। हाँ ये मैं पूरा गोल घुमा करके दिखा देती हूँ ऐसे। मैं संतरा जी कैसे संतरा है, चाइनीज संतरा है, इससे बड़े नहीं होते, कितना छोटा है। मैं तो आंसू निकल आए, अच्छी लगी ना। ओके ऐसा भी टेस्ट होना चाहिए। पीछे ही पेड़ लगे हुए हैं, चैनीज ना खाए, चैनीज ना खाए, चाना ना खाए, जैसे कि तो बेर जैसे लग रहे हैं कि बेर है। ये देखो ये लग रहे हैं संतरे, ये संतरे यहाँ दे दे दो 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 दे दो सुनने ने कम करो, दिखा देंगे चाइनीज संतरा काय के लिए मंदिर तुम बिल्कुल मंदिर का हुआ अरे दे दें दे संतरे कितने कितने सारे पेड़ लगे हैं। ये पक्कर पके पके भी मीठे नहीं होते, हो जाते हैं इतने पके, खाऊंगी ना उतनी ज्यादा खट्टे होंगे वो। उधर फोटो सेशन चल रहा है, खूब ढेर सारे फोटो खींचे हैं और अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया। मौसम अच्छा है ना, ठंड के मौसम में ही अच्छा लगता है कहीं भी। चलो अब कुछ लोग तो चले भी गए हमारे साथ के, बहुत शाम होने वाली है ना, चलते हैं अब। चलो चलो चलो, ये हमारे पास में ही है हाथरस, अलीगढ़ के बीच में ये पड़ता है मंगलातन, बहुत सुंदर सी जगह, शांत सी जगह है और ये नेचर वाली जगह है ना, पार्क है। और ये है कि अंदर खाना पीना अलाउ नहीं है, खाने नहीं देते पीने नहीं देते, और अंदर जूते वूते भी अलाउ नहीं है, हम लोग बिना जूते के हैं और आराम से कितना भी समय गुजारो। आज जो है संडे तो इसलिए मंदिर है इसमें वो खुला हुआ नहीं है, वो बंद है। नहीं लोग अपने चादर वादर बिछा के आराम से घास में आराम कर रहे हैं और हमारे साथ के कांगे। चलो आ जाओ, क्या लेके आई हो तुम? फ्रूट्स लेके आई हैं, एप्पल ऑरेंज। अच्छा चलो, चीकू सब खाएंगे एंजॉय करेंगे, लेकिन हम लोग बाहर ही खा सकते हैं। ये यहाँ गेट से बाहर निकल रहे हैं, अब चलो निकलते हैं। वो थैला में से उठा निकालो, चलो से निकलेंगे। हमारे साथ की गए जूते ले गए वो का समय माल माल नहीं, इसमें से कोई कोई नहीं लेके गया। गुफा में तो ना गई, गुफा में पहन के जा सकते हैं। अच्छा वैसे ही जाते, चलो तो फोन करके देखो कौन का करो। बहन जी तुम करो, हम लोग वीडियो चलने फिर गार्डन में, उनको बुला लो गार्डन में चलने। हम कुछ लेके आए हैं तो भैया कहाँ खा सकते हैं, इधर इसमें। अच्छा अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पर है एक गुफा, उसमें भैया अच्छा इधर आ। तीन साठ रुपए निकाल दियो, ले तो इसे पकड़ो, ले वैसे। यहाँ पे एक जने की 20 रुपए है।
इस गुफा की 20 रुपए एक जने की है, तो हम लोग है 3। ये लो 50, ये दे दो, ये 20 रुपए और ये दे दो, 10 दे दो, 10 रख लो। चलो अब देखते हैं गुफा, गुफा में क्या है। चलो ये देख के सिर विर न टकराया है। अंधेरा यहाँ पर, ये दिखा रहे हैं भैया, ये देखिए कैसे छोटे छोटे घर बनाए गए यहाँ पे मुनि दीक्षा। जरा जरा सी लाइट है, यहाँ पे ये मुनियों को दीक्षा दी जा रही है। अलग अलग झांकियों को सजाया गया कि कैसे दीक्षा दी जाती है। शेर बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ये आहार दान शुरू होता है यहाँ से, कि यहाँ पे आहार थोड़ी थोड़ी देर में ना ये सांस लेने के लिए घुट रहे। तब जब इनकी दीक्षा हो जाती है ना, फिर ये भिक्षा मांगते हैं, तो ये आहार दान हो रहा है यहाँ पे। एक झांकी के बाद ना थोड़े से ये खुला दे देते हैं, और यहाँ उपदेश होता है फिर। यहाँ उपदेश दे रहे हैं गुरु जी, उपदेश दिए जा रहे हैं, यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक झांकी के बाद खुला हुआ आ जाता है, जिससे हम लोगों को घुटन महसूस ना हो, पता ही नहीं चला इधर से उधर निकल के इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर इधर। अब यहाँ नहीं बताया क्या है, यहाँ से निकलने का होगा। अब चलो, नहीं अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है भैया, तो ये यहाँ पे ऐसी कुछ झांकी है। यहाँ पे धन्य मुनि दशा, मतलब मुनियों की जो क्या दशा है वो है। देखो एक झांकी के बाद फिर खुला हुआ है, अच्छी बात है, घुटन नहीं होगी। अब यहाँ पे है उपसर्ग, भूल भुलैया जैसी बनाई है, ऐसे लग रहा जैसे भूल भुलैया। यहाँ पे ये अपने ध्यान में मग्न है, पशु पक्षी जैसे उनके मांस को नोच के खा रहा है, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, इतने भगवान में ध्यान में मग्न हो रखे हैं। ये दिखाएगा यहाँ पे घुटने को, कोहनी को नोच लिया, लेकिन उनकी जो सूरत है ना, जैसे जो चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं है, वो मुस्कान में है, उन्हें दर्द की फीलिंग नहीं है। चलो ऐसा भगवान में ध्यान लग जाता है, फिर अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। और यहाँ पर है फिर समाधि मरण, जब मतलब समाधि ले लेते हैं ना, तो समाधि दी जाती है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो चुकी है और फिर इनको समाधि दे दी जाएगी। ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है, पर चलो है अभी तो। अब ये निकलने का आ गया एंड गुफा का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ पर विश्राम कक्ष, विश्राम के लिए थोड़ी सी जगह बनाई गई है, और टॉयलेट वॉलेट के लिए भी बनाई गई। ये इधर टॉयलेट है, ये इधर। और अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना खाएंगे पियेंगे कुछ भी, और फिर जाएंगे घर। नाश्ता पानी कर लिया, फ्रूट्स खा लिया, और अब हम लोग निकल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ समय बिताया। आज हम लोगों ने संडे की छुट्टी मनाई, घर पे खाना वाना सब बना के आए थे, और अपना एंजॉय संडे की छुट्टी मनाई। कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये संडे बहुत अच्छा गया हमारा, बहुत अच्छा अच्छा है। हाँ, हमारा ऑटो खड़ा है, हम जा रहे हैं घर। अरे ऑटो कहाँ है, चलो ढूंढते हैं। तो इस वीडियो का वो खड़ा है, वो खड़ा। और ऑटो हमारा आया था 400 रुपए में, हमें लेके आया था और घर पे छोड़ देगा। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे अर्चना बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना, संस्कार कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल मत भूलना। हम लोग ऑटो में बैठ गए और भेलपूरी खा रहे हैं सब लोग। तो और अब प्लान भी बना रहे हैं कि अगला ट्रिप हमारा कहाँ का होगा। बताइए मंजी, अगला कहाँ का है? अगला ताजमहल देखने जाएंगे हम सभी, एक तारीख को देखते हैं, न्यू ईयर पे जाएंगे ताजमहल। चलो तैयार रहना एक तारीख को। ओके ओके।